यहाँ क्या क्या पड़ा रहता है जमीन पे भाई, लोगों की फालतू फालतू चीजें भाई, सब कहते ले जाओ यार, ये खिलाने में हमारी अस्थिति हो रही है भाई। अभी हम गए ये इस दुकान में भाई, यहाँ पे मोनू भाई से लड़ाई होगी। मोनू भाई कह रहे वो इतने का दे रहा है, उतने कह रहा, तो वहाँ से जाके ले लो ना, यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हो। ये बाल वाले कितने इरिटेट करते हैं इधर। हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी पहला पार्ट तो देखो फ्लाइट का हो गया, दुबई में लैंड कर चुके हैं। सुबह की गुड मॉर्निंग हो रही है, 10 बजे हमारी, और वहां पे बज रहे हैं इंडिया में 11:30। खाना पीना करके और फिर जो सब लोग करने जाते हैं दुबई में आते ही इसलिए, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज हम जाने वाले हैं भाई साहब मीना बाजार बर दुबई, जो फेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। वहाँ पे बड़े सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे टैक्स वगैरह थोड़ा कम है, तो आईफोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको सस्ता मिलेगा। फिर निकलते हैं अपना मेट्रो वेट्रो से देखेंगे आगे तरफ। हम भी नूब हैं आप ही की तरह भाई, मतलब आप शायद वीडियो देख रहे हो, आप आ रखे हो कई बार, लेकिन जो भाई नहीं आ रखा फर्स्ट टाइम उनके लिए मैं रेफरेंस में बोल रहा हूँ। हम निकलेंगे यहाँ से और फिर देखेंगे कि आगे मेट्रो वेट्रो कहाँ से मिलेगी और कैसे क्या कार्ड कैसे बनता है, पूरे डिटेल में आपको देने वाला हूँ। और कैसे बढ़ दुबई वगैरह आप कैसे उतरते हो और कैसे यहाँ सही में आईफोन सस्ते हैं या फिर हुआ बना रखा है। तो होटल से निकल लिए भाई बैग वैग टाक के, और यहाँ पे मोनू भाई के फैन भी मिल चुके हैं। ये भाई दुबई में ही रहते हैं, जैसलमेर से। भाई का फ्रिज लगा, आप इंडिया से ही हो, जैसलमेर से? जैसलमेर। चलो भाई बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपके रियल फैन, आप स्कोप देख रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़िया हो सकता है। चलो भाई अब यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा सिस्टम है, बहुत तगड़ा नजारा है यार। यहाँ आती है एकदम ऐसे रहीसी सी फील यार, कि यहाँ सच में कोई विदेश घूम रहे हैं। ये भाई की BMW है यहाँ, ये यार ये गाड़ी देखो भाई कितने की पड़ी थी यहाँ। अच्छा ये नहीं है क्या आपकी? अरे सॉरी, मुझे लगा ये है क्या भाई। कोई बात नहीं, वो भी अपनी है। यहाँ पे डिसिप्लिन पूरा है भाई साहब, देखो गाड़ी एकदम डिसिप्लिन में पार्क्ड है, और ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं भी लगा रखी है। जहाँ पे पार्किंग स्पॉट बन रखे हैं वहीं पे ही केवल गाड़ी पार्क करेंगे, वरना तो फाइन वगैरह लग जाएगा। ये है भाई की गाड़ी, यहाँ पे इसमें बैठते हैं और भाई हमको मेट्रो तक छोड़ देंगे। ऊपर वाला भी ना अरुण भाई, तेरे फैन इतने थे भाई, मतलब काम हमारा मिल जाते हैं मतलब। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ भाई, अभी मेरे को पता चला भाई से, यहाँ पे जो पर्सनल गाड़ी होगी ना वो आप ऑटोमेटिक ही चला सकते हो, सब यहाँ पे ऑटोमेटिक है भाई। जो मतलब कमर्शियल वाले जो होंगे ये मैनुअल होंगे ना बस मेरे ख्याल से। और यहाँ पे देखो हमारे इंडिया में क्या रहता है, राइट हैंड साइड में स्टेयरिंग व्हील ऐसे चलाते हैं हम लोग, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव, तो ऐसे अजीब नहीं लगता? आप जैसे इंडिया से आते जाते तो होंगे आप, थोड़े टाइम के लिए लगता है, इंडिया में रहते हैं तो एक हफ्ता भर उधर अजीब हाँ। लगता है, फिर आदत हो जाती है इधर आने के बाद। अच्छा कौन सा बढ़िया लगता है, एक चूज करना हो तो? इधर बढ़िया तो इधर लगता है, लेफ्ट वाला, इधर थकान महसूस नहीं होती है इतना भी दिन भर हम चलाते हैं ना, आदत पड़ जाती है हमारे को। और एक क्या करो, सिस्टम भी रोड वगैरह अलग है ना यार, उनको ना आप ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, बहुत ज्ञान देते हैं भाई, बहुत ज्ञान देते हैं, मेरे को 24 घंटे पकाते रहते हैं। चलो थैंक यू अस्तिमल भाई, ओके भाई चलो बाय भाई आराम से। और भाई गर्मी तो है यार यहाँ पे ना, मतलब हमारे वहाँ तो जाड़े आ गए, यहाँ पे अभी भी कसर बाकी है। और देखना नक्शे अलग ही है भाई यहाँ के मेट्रो के, यहाँ से कार्ड वार्ड बनवाते हैं। और ये व्यू देखो आप, ऐसा है कुछ मस्त है यार सिस्टम यहाँ का, काफी लोग जाते हैं मेट्रो के थ्रू यहाँ से। और हमारा होटल तो बहुत नजदीक है, कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं होगा यार मोनू भाई, है 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 300 मीटर मस्त जगह होटल बुक कर दिया ना मैंने। ये देखो इस वाले काउंटर पे से जाके हमने ये 50 दिरहम्स में 2 कार्ड ले लिए, जिसमें 19 दिरहम अपना बैलेंस है, मतलब 25 दिरहम का एक है, 19 दिरहम इसमें से हम यूज कर सकते हैं। तो जो मीना बाजार के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमने नेट पे देखा वो अल गुबाही करके कुछ तो है, तो हमने लोकल से पूछ ली कि भाई यहाँ पे जाना है, तो उन्होंने बता दिया ऐसे चले जाओ, यहाँ पे नीचे एक तरफ ट्रेन आएगी वहाँ से ले लो, वो इजी है, किसी से पूछ लो आराम से सिस्टम मिल जाता है कि कहाँ कौन सी ट्रेन है। वैसे तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है हमारी, तो दिल्ली मेट्रो में प्रॉपर रूट बन के आ जाता है ना, कहाँ से कौन सी लाइन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मैंने नेट पे देख लिया, खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है कैसे जाएँ। हम खड़े हैं अभी इस वाले मेट्रो स्टेशन पर, हमको जाना है ये वाला। अब हम यहाँ उतर चुके हैं भाई, अल गुबाबा करके है ये, और यहाँ उतरते ही इतनी भयंकर हीट है ना इस, मतलब मैं तो यही कह रहा कि यार ये गर्मियों में क्या हाल होता होगा। और यहाँ से जो दुकान वगैरह है ना मीना बाजार बढ़ दुबई, वो कुल 500 मीटर है, तो आप ऐसे आराम से पैदल पैदल जा सकते हो। अगर आपको चलना है तो ये ऐसे हरी होती है और गाड़ियाँ रुक जाती हैं तब आप करोगे, अगर आप वैसे ही इंडिया में हाथ दिखा के करने की कोशिश करोगे तो उल्टा आप पे पेनल्टी लग जाएगी भाई यहाँ पेडेस्ट्रियंस पे। अब देखो गाड़ियों की लाइन है, तो ये लोग खड़े हो गए, अब वहाँ पे हरा हो गया तो अब आप आगे जा सकते हो। और यहाँ गाड़ियाँ तो इतनी खूबसूरत है, एक से एक रहीस है ना भाई, तो मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ लेके चलता है, जो ब्रांड कहीं नहीं मिलेगा ना वो दुबई में मिल जाएगा, इतना तगड़ा काम है गाड़ियों के लेके। तो
और ये तेल हो गया मतलब यहाँ पे, यहाँ पानी महंगा है तेल सस्ता है। यहाँ पे चलते जा रहे हैं तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो ये मोबाइल की शॉप्स आ चुकी हैं पूरी की पूरी। बहुत देर हो गई चल चलते भाई, बहुत हद गर्मी है। और यहाँ पे भाई ऐसे बहुत बहुत ऐसे कहते हैं आपके बाल में कुछ लगा हुआ है और ऐसे कुछ लगा हुआ है और ये ले लो वो ले लो, भाई ऐसे स्कैमर्स के झांसे में बिल्कुल मत आ जाना। ये देखो ये है सारी जो मेरे को दिख रही है, शायद यही होंगी वो सारी शॉप्स। लेकिन उससे पहले हमको एक एटीएम ढूंढना है ना कैश निकालने के लिए। देखो बाल वालों के उसमें मत आना, पता नहीं क्या क्या भेज दें आपको, कहाँ ले जाएँ, कहाँ ले जाके लूट लाट लें। कौन बहन कैश रख रखा है बहुत सारा। ये है वो लाइन सीधी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना, जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ पर दुबई में, ये है वो वाली मार्केट। अब देखते हैं कौन सी दुकान से हम लेंगे, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर तो सस्ता सा मिल जाए। 14 प्रो लेना है वहाँ से ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको एक सब्सक्राइबर भाई मिले, ये भी सेम फ़ोन लेने आए हो ना, तो आपने मतलब ट्राई मार लिया है। हाँ, डिफरेंस रहता है ना दुकानों में दिखाना, मतलब जो आप दिखा रहे थे 4500 49 50 इतना फ़र्क आ रहा है। 49 बोल रहा है, 49 50 आई फोन प्रो मैक्स का 50 दिरहम का ना, ये तो 1,00,000 रुपये चला गया। अल्ट्रा प्रो मैक्स, हाँ प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स कब आ गया। तो यहाँ पे हम भी ढूंढ लेते हैं भाई, भाई भी ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ से लेंगे। कन्फ्यूजन तो होते हैं यहाँ पे यार, जब पता दो नंबर फ़ोन मिल जाए क्या फ़ायदा भाई। मतलब गाड़ी में दिखा ही रहा था आपको, लेकिन सबकी बाप तो ये है पुलिस की, पता नहीं कौन सी है, कौन सी मेड इन यूएई, क्या ज़बरदस्त है भाई साहब, मतलब बीस्ट है बीस्ट। लो एटीएम से निकल गए, 1,000 दिरहम करके निकलेंगे, कार्ड दो दोबारा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 4500 दिरहम भाई, क्योंकि पता है उधर कार्ड स्वाइप अगर हम करवाएंगे ना किसी भी दुकान पे, बेशक हमारा वैसा है कि भाई उसमें 4x चार्ज नहीं है, तो उसमें 2.5% लेंगे तो क्या फ़ायदा, मतलब 1,25,000 रुपये देने में कोई ज्ञान नहीं है, तो कैश ही दे दो उनको सबसे बढ़िया। तो 4500 दिरहम ही, अब वो कार्ड भी नियो का है मेरे पास ना, ऐसे पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसमें कोई भी ऐसा 4x चार्ज वगैरह नहीं लगता। तो क्या हुआ उसमें, मतलब अपना 1,00,000 किलोमीटर रहती है पर डे कैश विड्रॉल की, स्वाइप तो आप कितना ही करवा लो लेकिन विड्रॉल में 1,00,000 निकलेंगे, तो 1,00,000 ही निकाले हमने। तो अब देखते हैं कितना कुछ ले पाते हैं आराम, क्योंकि 1,00,000 हम कर ले गए तो 1,00,000 अभी हमारे पास है। 4500 दिरहम कन्वर्ट कर दो तो इंडियन करेंसी में, कैश तो निकाल लिया भाई। इसके बाद हमने सारी दुकानों पे ट्राई करा, सारी दुकानों पे भाई इतना प्राइस डिफरेंस, कोई 250 दिरहम एक्स्ट्रा मांगता है, कोई 200 दिरहम एक्स्ट्रा मांगता है, किसी के पास स्टॉक ही नहीं होता है। फिर हम सबसे जो पॉपुलर है ना सिटी चॉइस करके, इस पे गए, इसका यूट्यूब वगैरह पे भी हमने बहुत देखा है, इस पे ऐसी भीड़ जैसे मतलब फ्री में कोई सेल बट रही हो, ऐसे फ्री में भंडारा लग रहा हो, इतनी भीड़ हद हो गई, पैर रखने की जगह नहीं दुकान में। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकलिटी भाई, यहाँ की जो ये वाली दुकान है ना सिटी चॉइस, मतलब ये सबसे ज़्यादा फेमस है इधर, और भाई इतनी भीड़, मतलब इतनी भीड़, मतलब ऐसे मेला सा लग रहा हो, इतना बुरा, जैसे फ्री में बट रहा हो, फ्री में बट रहा हो, और इतना है, और ये बहुत महंगा है भाई। हमने भी कंपेयर करा, सबसे सबसे महंगा हमको ये लगा, मतलब बहुत, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है अगर ऐसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखो। अरे यहाँ पे इतनी कन्फ्यूज़न होती है ना, ऐसे कोई भाव ही नहीं देता यार इतना, मतलब इनके पास ऑलरेडी इतने कस्टमर हैं तो ये भाव ही नहीं देता कोई, जो खाली बैठे हैं उनके पास शायद से जो मॉडल हमको चाहिए वो मिलता नहीं है। ये वाले भाई जो हमको स्टार्टिंग में मिले थे, जो कंपेयर करने लग रहे थे, तो हमसे पहले भी डोल रहे हैं, इनको ही अभी तक नहीं मिला है। और भाई मतलब नहीं करते ढंग से बात यहाँ पे, मतलब आप खाली दुकान वाले तो जब भी कर लेंगे, लेकिन भाई मतलब मेला लगा हुआ, आप देखना मेला लगा हुआ है, कितना ज़बरदस्त काम है यार, लोगों पे कितना ही पैसा है, दबा के बिका जा रहा है और इतना महंगा। अरे भाई बड़ी कन्फ्यूजन है भाई साहब, कभी ये कैलकुलेटर में ऐसे चलता है भाई इतने का है 4500 का है, कोई कहता है 4500 का है, और इतना दिमाग घूम रहा है ना, बस पूछो मत ना, बहुत परेशान हो चुके हैं अब। अब मैं 512 ढूंढ रहा था, लेकिन 512 14 तो है ही नहीं। ये है 256 हॉन्गकॉन्ग, ये भाई इसका बोल रहे हैं 4500, और अगर हम अपने वहाँ कन्वर्ट करें तो 1,03,000 रुपये का है। और ये 13 प्रो 92 का था किसी टाइम पर जब मैंने लिया था, बड़ी महंगाई हो गई यार दुबई आने में भी, पर ठीक है इंडिया में ये 1,40,000 रुपये का इतने का। और यहाँ पे 1-3 का है, तो मैं भी आपको बता दूँ कितना बचेगा, वजह से इतने रुपये बच रहे हैं टोटल। और मेरा मतलब सिल्वर लेने का मन है, लेकिन वो है नहीं यार, मतलब 256 है, क्या देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करें ना करें। और इसमें जो मैंने 4500 बताया, इसमें भाई साहब वो आपका जो टैक्स होता है ना 5% जोड़ेंगे, 5% वो अलग है, वो अलग है जो एयरपोर्ट से रिफंड होगा भाई बोल रहे हैं।
क्या करें अब बताओ क्या करें क्या करना है। थक गए भाई हम तो, थक गए हम। अभी हम गए ये इस दुकान में भाई, यहाँ पे मोनू भाई से लड़ाई हो गई। मोनू भाई कह रहे वो इतने का दे रहा है, उतने कह रहा तो वहाँ से जाके ले लो ना, यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास नहीं पता भाई, करो टैक्स ऑफ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। हाँ कोई नहीं भाई, हम कहीं वहीं से ले लेंगे। पैसे देने सबको देने यार, ढूंढते हैं कौन सा था वो, उसी पे चल लेते हैं। आपने अच्छा मतलब डील किया, इसलिए थोड़ा मैं लगा कि मैं भूल गया। अच्छा नहीं थी बोलता था ज्यादा, इसलिए मैंने कहा नहीं नहीं देख लो तो कैसे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं होता हमारे, यहाँ पे हम आ गए दूसरी दुकान पे, ये हांगकांग 512 पर्पल मिल गया यहाँ पे। और वो मोनू भाई उसकी शिकायत कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसे नहीं बोल रहा था। क्या एक कवर भी आएगा, एक स्क्रीन गार्ड भी आएगा। अरे नहीं मतलब प्राइस सही सही प्राइस, ये फाइनल है, बेस्ट रेट है 5600 इसका है, 512 पर्पल 600 256 भाई, 1000 दिरहम का फर्क आ रहा है 256 और 512 में, लेकिन जरूरत है भाई तो क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ पे सक हम 2.5 लाख रुपए लगभग खर्च कर रहे हो, इनको दे रहे हो, लेकिन वो फील नहीं आती है। बिलिंग भी जैसे कर रहे हैं ना, क्योंकि इतना कटामरी है ना, ये भीड़ भाड़ से में लेते हैं फोन, तो ऐसे वो वाली फील नहीं आती है, कुछ नई चीज ले रहे हैं जैसे जल्दी जल्दी बिल कर। ये देखो सब कुछ लगा के, ये 14 प्रो डी पर्पल है, इतने का 4830। तो हमें कैश देंगे तो 2.5% नहीं देना पड़ेगा, 4830 दे रहा हूँ। जो कुछ बनेंगे मेरे ख्याल से कुछ ना, तो 1,10,000 के लगभग हमको हम कैश दे रहे हैं इनको। अब यहाँ पे ये चीज भी देखो भाई, कार्ड के है कितने खिलाफ है ये, मतलब हम पे 3500 रुपए कैश बच गया अब बस दूसरे फोन के लिए, तो 2380 अगर हमको कार्ड से पे करना है ना, तो उसको हमको 2.5% एक्स्ट्रा यानी कि 59 दिरहम 1300 रुपए के लगभग हमको जस्ट कार्ड यूज करने के इनको पैसे देने पड़ेंगे जस्ट इनकी वजह से। मैंने कहा इनसे भी कार्ड बनवा लो 2 लाख रुपए तो लेकर निकल जाएंगे, पर नहीं ये गलती कर देते हैं। अब देखो भुगतना पड़ रहा है ना, खामा खाई के 1200-1300 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या फर्क पड़ा, मोटी पार्टी है यार, मोटी पार्टी होती है। एप्पल स्टोर से ना लेके आपने गिफ्ट कराया तो भाई देखो गिफ्ट तो कैसे। तो हमने यहाँ पे हांगकांग वर्जन लिया है, जापान में भी थोड़ा बहुत अंतर है, तो हमने हांगकांग लेके फांस काट दी। अब दूसरे काउंटर पे जाके हमको यहाँ पे जो टैक्स फ्री प्लेनेट की एक पर्ची लगती है, जो 5% वैट जो हमको रिफंड मिलता है एयरपोर्ट पे, वो जरूर लगवा लेना भाई। मतलब मैं बताऊँ मुश्किल से ना ऐसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे होंगे हमको ये सारा फोन वोन और बिलिंग वगैरह करने में। यहाँ कोई चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से फोन लो और जाओ भाई पार। ये इसका कवर और वो देखो, ये देखो फाइनली हमने ले लिए भाई दो, ये देखो ये एक हो गया 256, ये मोनू भाई के लिए, ये इसका बिल हो गया, और एक हमने ले लिया है 512 बिल भाई 512 मतलब ये रहा। और कवर और टेम्पर तो फ्री मिलता है यहाँ से, बाकी बिल विल आपको बंद कराएंगे। और इस दुकान से लिया हमने, दिखा दो एक बार भाई, अगले अच्छा यार नेचर भी अच्छा था इसका। हाँ और तो कोई भाव भाई, कोई भाव ही नहीं रहा, पूछी ना तुम आए कहाँ से भाई, क्यों आए हो, मतलब ऐसा कोई फ्री में ले रहा भैया तो आम लाठी है क्या कहते हैं आज तो घूमते घूमते। ये बाल वाले कितना इरिटेट करते हैं इधर, बाल पे कुछ लगा है, कुछ शेड लगा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इनकी। फाइनली भाई इतना आराम मिल रहा है ना फोन खरीद के कि चलो यार फास्ट कटी अपना, बढ़िया सिस्टम हो गया। और यहाँ क्या क्या पड़ा रहता है जमीन पे भाई, लोगों की फालतू चीजें भाई, सब कहते ले जाओ ले जाओ यार, ये खिलाने में हमारी एसटीसी हो रही है भाई। वही तो यार, लोग ऐसे कहते हैं भाई मेरा लिए ये मिली, कहीं किसी को पता चल जाए कि दुबई जा रहे हैं, मेरा भी मेरा भी मेरा भी भाई, इतनी टेंशन होती है बिल बिल करवाने में। 2.5% एक्स्ट्रा, हाँ मतलब मान लो लाएंगे वही तो। मैं तो एप्पल वॉच और ये मेरे को लैपटॉप वैपटॉप भी लेना था, लेकिन भाई साहब मैं तो टैक्स में मर जाऊंगा, मतलब जो कार्ड का स्वाइप वाला 2.5% ही रहता है उसी में आदमी की जान निकल जाए। मैंने वो सब छोड़ा कि 3-4 दिन बाद रुक के आएंगे लेंगे, तब तक 1-1 लाख करके कार्ड से कैश निकाल लिया करेंगे। अभी एक कार्ड होने का ये नुकसान है, और फ्री कार्ड है वो, तब भी मोनू भाई ने नहीं बनवाया, वरना एक बार में छुट्टी हो जाती। खैर हमारे होटल से ज़्यादा दूर है भी नहीं, फिर आके ले जाएंगे, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी छोटी सी लगती है इस पर, लड़कियों की सी लगती है। अरे 40 mm है तो 45 mm लेनी है मेरे को, कोई नहीं फिर आएंगे कैश निकालते रहा करेंगे। कैश से दो यार यहाँ पे पेमेंट, अब देखो ना फोन पे खामा खाएंगे 1300 रुपये लगे ना बस कार्ड स्वाइप करने के, खामा खाएंगे 1300 रुपये, हद हो गई। अब मैं इसका प्राइस बताता हूँ, जो मैंने लिया है ना ये डीप पर्पल आईफोन 14 प्रो 512 GB हांगकांग वर्जन, ये वहाँ पे 1,60,000 रुपये का इंडिया में, मेरे को अभी पड़ा है ये 1,30,000 रुपये का, जिसमें टैक्स वगैरह भी है, तो इसमें से 5% मान लो कितना होंगे 5%, 300 दिरहम और मिल जाएंगे हमको, वो 20-25 के लगभग मान लो भाई। देखो सस्ता तो होता है 35-40,000 रुपये सस्ता होता है, 1-23 का पड़ेगा ना भाई, बहुत सही फायदा है यार यहाँ से लेने में तो सही गया ना। पर वो ये हांगकांग है, वहाँ से लेते तो इंडियन वर्जन मिलता ऑब्वियसली, लेकिन हमारे वाले में सिम भी लग सकती है।
और जो मोनू भाई वाला है मतलब 14 प्रो 256 अगर किसी को मतलब इंटरेस्टेड हो कोई तो वो पड़ा है कितने का है 4800 का बिल में 4830 वो रिफंड होगा पर्पल कलर में। पर्पल वाला कलर थोड़ा सा महंगा है अगर बाकी कलर से कंपेरिजन। मेरे को तो सिल्वर लेना था पर किसी को स्टॉक नहीं था भाई, वो सस्ता पड़ जाता, सस्ता ही पड़ता, 2000 रुपये कम पड़ता, 2000 रुपये कम पड़ जाता सिल्वर वगैरह गोल्ड वगैरह ब्लैक वगैरह। पर्पल की थोड़ी डिमांड ज्यादा है, जो भी आ रहा पर्पल मांग रहा भाई, जो भी आ रहा पर्पल मांग ऐसे मारा कोई जो कुछ क्या मोबाइल खरीद रहे क्या खरीद रहे भाई, एक दे दो दे दो, और कई तो 4-5 लेके जा रहे हैं एक साथ इतना इतना भर भर के रोटी खा लेते हैं। लेकिन ना इनका प्राइस अप डाउन होता रहता है, अभी जो है सीजन रहता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि थोड़ा दुबई ठंडा पड़ जाता है तो बहुत लोग आते हैं, तो मुझे लगता है ये प्राइस बढ़ा देते हैं इस सीजन में। तो अब इस बार बहुत हाई थे प्राइस, प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं नवंबर 2022 में गया था, हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए कभी या बाद में आओ, या फिर नीचे भी जा सकता है। खाना पीना हो गया भाई, यहाँ का भी हमको नजर पड़ी कि ये कैसा पुलिस स्टेशन, तगड़ा यार पुलिस स्टेशन भी भयंकर है इधर का। तो यहाँ मेट्रो स्टेशन जा रहे थे, बीच में मेरी नजर पड़ी भाई पेट्रोल पंप पे, यहाँ का तेल का रेट देखो आप 3 दिरहम। एक चीज तो है भाई, यह ग्रीन लाइन पे मेट्रो बहुत देर देर में आती है, मतलब हम कब से बैठे हैं, एक भाई तो सो भी चुके हैं, मेट्रो ही नहीं आके देती, वापसी होटल चल रहे हैं, फोन फान सब इसमें रख लिया, यही था आज का टारगेट। तो मेट्रो से उतर लिए भाई, अब हम लोग फिर से होटल जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक थकाने वाली चीज़ है यार, पता नहीं क्यों लेकिन हम लोग बहुत थक गए इधर से उधर, फिर माइंड से भी यार, मतलब रियलिटी में बहुत अलग है यार। जैसे यूट्यूब पे दिखता है लोग बताते हैं ना कि भाई वहाँ से ले आओ फ़ोन, यहाँ से ले आओ, आप प्राइस पूछते रह जाओगे इधर उधर, और फिर ढंग से कोई बताता भी नहीं, हम बोल रहे हैं इग्नोर करते हैं, मतलब भीड़ इतनी रहती है एक्चुअली उनके पास ना कि वो ढंग से बता ही नहीं पाते, और फिर थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। एक तो यार इतने लाखों की चीज़ हम ले रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपये खर्च करके आए, कोई फीलिंग आ रही है कि हम 2.5 लाख रुपये, कुछ खुशी सी नहीं रहती ना, पता ही नहीं चल रहा भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है, बस उनको ये रहता है कि ला इतने का है लेना है ले लो नहीं तो जाओ, ये वाला एक्सपीरियंस है। बाकी अब होटल पर जाकर रेस्ट करते हैं, दुबई घूमेंगे भाई शाम वाम को। मेरे को आपको यही थोड़ा सा दिखाना था कि ये रियलिटी क्या है यार यहाँ पर दुबई की, और जो ये फ़ोन मार्केट इतनी ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, मतलब सस्ते तो हैं, देखो 60,000 रुपये हमने बचा लिए उसमें हम घूम फिर सकते हैं, सस्ता तो है लेकिन हांगकॉन्ग वर्जन है, इस बात का ध्यान रखें, वारंटी इंटरनेशनल हर जगह मिली जाती है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ ये ऐसा दुबई घूमने में जहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो आप अरुण पवार इंटरवल चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे दिखाएंगे भाई आपको बाकी की चीज़ें। तो वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।